अभी हम सब वंदनीय संत समाज बहुत ही कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे, जो जीवन में सबसे आवश्यक है। स्वच्छता पवित्रता जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो तन की हो चाहे मन की हो। तन गंदा होगा तो तन के रोग आएंगे, मन गंदा होगा तो मन के रोग आएंगे। और आज पूरी धरती तन और मन दोनों रोगों से परेशान है। तन के रोग हैं तो उसकी तो दवाइयां भी उपलब्ध है। 150 के आसपास कुल बीमारियां हैं जो छोटी बड़ी हैं, जिसमें और भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, और उसकी उतनी सारी औषधियां भी उपलब्ध है। लेकिन मन की जो बीमारी है वो ज़्यादा जटिल है, क्योंकि जिसका तन ही बीमार है तो मन तो बीमार होगा ही। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये कहावत आप सबने सुना है। तो मन आज इतना ज़्यादा बीमार हो गया है कि इतने सारे रोग आ गए हैं कि उसका इलाज भी नहीं। अब समस्या यह है कि तन की बीमारी तो जांच में पता भी चल जाता है और हम उसके लिए कोशिश भी करते हैं कि तन की बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन मन की जो बीमारी है वो पता भी चल जाए तो हम उससे मुक्त नहीं होना चाहते। अब प्रश्न हो सकता है कि मन की बीमारी क्या है। तो मन की बीमारी, मैं पढ़ा हूँ, कोई गरीब है कोई अमीर है, मैं अमुक जाति से हूँ, जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ये तमाम जो समस्याएं हैं छुआछूत, ये मन की बीमारी है। अपना पराया का भाव, ये मन की बीमारी है। दिन रात समाज परिवार में एक दूसरे के साथ विरोधाभास में जीना, ये मन की बीमारी है। इंसान इंसान के बीच में प्रेम ना होना, ये मन की बीमारी है। देश के लिए प्रेम ना होना, ये मन की बीमारी है। तो मन की बीमारी बहुत सारे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। ना जाने कब हम मन में कौन सी बीमारी पैदा कर लें और उसका इलाज भी हमारे पास नहीं होता। मन की बीमारियों का कोई इलाज हम कर नहीं पाते, उसी बीमारी के इलाज के लिए संत गुरुजन होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं। जब हम उनके संग में जाते हैं तो मन की बीमारी का पता चलता है। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं तो पता चलता है कि चेहरे में कहाँ दाग है। यदि चेहरे में दाग है और दर्पण सामने ना हो तो पता भी नहीं चलेगा कि दाग कहाँ है। तो जैसे दर्पण में हमें अपने चेहरे का दाग का पता चलता है, ऐसे ही संत सत्संग रूपी दर्पण में हमें अपने मन के दाग पता चलता है, और तब हम उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और करनी चाहिए। लेकिन सत्संग में आकर यदि हमने अपना चेहरा सत्संग में ना देखा, भीतर का चेहरा, तो फिर दाग नहीं छूटेगा। ये सत्संग रूपी दर्पण में हमें स्वयं को देखना पड़ेगा, और जब हम देखेंगे तो मन पवित्र होगा। और उसके लिए भी आपने विचार सुना कि तन की पवित्रता आवश्यक है, तन का साफ होना जरूरी है। तन सुंदर हो ये बड़ी बात नहीं है, कि तन कुरूप है तो ये बुरी बात है। तन सुंदर है कि कुरूप है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारी स्वच्छता पवित्रता, हमारा व्यवहार, हमारा जीने का ढंग, ये पवित्र होना चाहिए, ये सुंदर होना चाहिए। जिस आदमी का कर्म पवित्र है, जिस आदमी का विचार पवित्र है, जिस आदमी का जीने का ढंग पवित्र है, फिर उससे ज़्यादा सुंदर आदमी कोई नहीं है। किसी का चेहरा बहुत सुंदर हो, शरीर बहुत सुंदर हो, लेकिन उसकी वाणी कुरूप है, तो उससे ज़्यादा कुरूप फिर इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। और जिसके अंदर विचारों की सुंदरता है, कर्मों की सुंदरता है, वो सदैव स्वयं व समाज व राष्ट्र के लिए खड़ा होता है, परिवार के लिए खड़ा होता है, मानवता के लिए खड़ा होता है। फिर वो किसी के दर्द को देख करके द्रवित हो उठता है, तो किसी की पीड़ा को देख करके पीड़ित हो उठता है,
अभी तो ऐसा होता है कि किसी और की पीड़ा हम देखते हैं तो हमें मजा आता है, किसी और का दर्द हम देखते हैं तो हमें हंसी आती है, हम सोचते हैं कि अच्छा है और ज़्यादा पीड़ित तो हो जाए। आदमी आज भगवान से भी मांगने कुछ जाता है तो कहता है हमें तो सुख देना लेकिन हमारे पड़ोसी को तो झोली भर भर के दुख दे देना। हम भगवान से भी मांगते हैं तो कभी भी दूसरों के लिए भलाई की कामना नहीं करते, कभी भी समाज के लिए भलाई की कामना नहीं करते, कभी भी राष्ट्र कल्याण के भाव से हम भगवान के मंदिर भी नहीं जाते। हम वहाँ भी खड़े होते हैं तो अपने लिए तो धन मांगते हैं, दूसरों के लिए दरिद्रता मांग लेते हैं, अपने लिए तो सुख सुविधा मांगते हैं, दूसरों के लिए दर दर की ठोकरें खाना मांग लेते हैं। हमारा भाव पवित्र नहीं होता क्योंकि हमारा भोजन पवित्र नहीं है, हमारा रहन सहन पवित्र नहीं है। आप सबने घटना सुनी होगी महाभारत की कि जब बानों के सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे तो प्रतिदिन वो उपदेश करते थे और लोग वहाँ जाते थे, सुनते थे, दोनों पक्ष के लोग, दोनों दल के लोग वहाँ जा कर के सुनते थे। युधिष्ठिर अर्जुन आदि भी सुन कर के आ रहे थे। द्रौपदी ने पूछा कहाँ गए थे, कहा भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं, प्रतिदिन उन्हीं के पास गए। द्रौपदी ने कहा वो कब से उपदेश करने लगे और उनके पास क्या ज्ञान है, वो ज्ञानी आदमी, उपदेश तो ज्ञानी दे सकता है, वो तो महाअज्ञानी आदमी। युधिष्ठिर ने कहा ऐसा मत बोलो, पितामह है, सामर्थ्यशाली पुरुष है। कहा क्या सामर्थ्य, कैसा सामर्थ्य, कौन सा ज्ञान? वो कहे रुको मैं खुद जाके देखती हूँ कहाँ से ज्ञानी हो गए। द्रौपदी गई भीष्म पितामह के पास, प्रणाम किया, शिष्टाचार। बस भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भवा, कहा रुको रुको आशीर्वाद बाद में देना, आप पहले ये बताओ कि आप ज्ञानी कैसे हो गए, आपके पास क्या ज्ञान का सामर्थ्य है। भीष्म पितामह ने कहा मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते। कहा मैं वही कहना चाहती हूं जो आप से भूले हो चुकी है, चूंकि आज आप उपदेश कर रहे हैं, आज आप ज्ञान की बातें बता रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन इसी कुरु वंश के इसी दरबार में मेरे वस्त्र खींचे जा रहे थे, मेरी मर्यादाएं धूमिल हो रही थी, मेरी अस्मिता लूटी जा रही थी, उस वक्त आप मौजूद थे लेकिन आपके हाथ ना कांपे, आपके भुजाएं ना फड़की, आपका सामर्थ्य आपका ज्ञान उस वक्त कहाँ गया था। उस वक्त भी तो आप भीष्म पितामह ही थे, आप में तो सामर्थ्य है, आप में तो ज्ञान है, आप में तो वैभव सब कुछ है, आप चाहते तो अकेले ही सारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे, लेकिन उस वक्त आपका ज्ञान कहाँ गया था। भीष्म पितामह सिर झुकाकर सुनते रहे। उन्होंने कहा क्षमा करना पुत्री, लेकिन बात इतनी सी है कि उस वक्त मैं दुर्योधन का पाप का अन्न खा रहा था, मेरा मन पापी हो गया था, उस वक्त मैं दुर्योधन के पक्ष में था और उसका अन्याय पूर्ण अन्न खा रहा था, और जैसा अन्न खाए थे वैसा मेरा भी मन बन गया था, इसलिए मेरे पास सामर्थ्य होते हुए मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका था, लेकिन आज तुम मुझे देख रही हो बानों की सैया पर लेटे लेटे, जो रक्त मेरे शरीर से बहे हैं सारा पाप उसी रक्त के साथ निकल चुका है, अब पुनः मैं निर्मल हो गया हूँ, इसलिए मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखा है जीवन से, मैंने पाया है अनुभव से। तब द्रौपदी सिर झुका के चली गई। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। बड़े पुरुष की निशानी यही होती है कि अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिसमें बड़प्पन नहीं होती, जो बड़े वास्तव में नहीं होते, वो कभी भी अंतिम दम तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो बात को पकड़ के धरे रहेंगे कि नहीं मुझसे गलती कैसे हो सकती, मैं तो बड़ा ज्ञानी आदमी हूं, मैं तो बड़ा ध्यानी आदमी हूं, मैं प्रतिदिन नियम से सत्संग करता हूँ, पूजा करता हूँ, भला मुझसे गलती हो सकती। लेकिन बड़े पुरुष की प्रथम निशानी ये है कि गलती हो ना हो हाथ जोड़ करके वो विनम्रता पूर्वक झुक जाएगा, कहेगा हो सकता है गलती हो गई हो, मैं तो इंसान ही तो हूँ, साधारण आदमी हूँ, क्या भरोसा गलती हो गई होगी। विश्व पितामह ने कहा कि मुझसे गलती हुई कि मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाया। अब आप सोचिए कि जो थोड़ा सा पाप का अन्न खाया उसकी बुद्धि कितनी बदल गई, तो अगर
समाज में हम आप अगर अपवित्र अन्न खाएं, स्वच्छता पवित्रता का ध्यान न रखें, तो तन तो बीमार होगा ही, मन भी बीमार होगा, मन भी गंदा होगा। और मन जब गंदा हो जाएगा तो कहते हैं ना, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, कि गुरु धोबी के पास फिर शिष्य रूपी कपड़े को जाना पड़ेगा, और गुरु फिर जब धोएंगे तब मैल निकलेगा मन का। मन का मैल गुरु ही धो सकते हैं, दूसरा इसका कोई धोबी घाट नहीं है। जहां गए सरफ में डाल दिए, मन धुल गया। मन तो इसी ज्ञान गंगा में धुलेगा, इसी सत्संग में धुलेगा। और जब मन के मैल धुलेंगे तब हमारे कर्म, हमारे व्यवहार पवित्र होंगे। फिर हमें सबके साथ सबके सुख की कामना हमारे भीतर जगेगी। फिर समस्त, जैसे हमारे ऋषियों ने कहा था, जियो और जीने दो। महावीर ने कहा था जियो, अर्थात आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, उसका भी उतना ही हक है इस धरती पर। यह हमारे ऋषियों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। ये कौन कह सकता है? जो आदमी अपवित्र मन वाला होगा वो कभी नहीं कह सकता कि सभी निरोग रहें, सभी सुखी रहें। जो गंदा मन वाला आदमी होगा वो तो यही कहेगा कि बस दुनिया का सबसे ज्यादा स्वस्थ मैं रहूं, सबसे ज्यादा सुखी मैं रहूं, बाकी पूरा चाहे बीमार रहे। बीमार मन वाला व्यक्ति ही दूसरे के बीमार होने की कामना करता है, स्वस्थ मन वाला ही दूसरों के स्वस्थ की कामना करता है। जो स्वयं में लायक होता है वो कभी दूसरों को नालायक नहीं समझता, दूसरों को हेत दृष्टि से वही देखता है, दूसरों को गंदी दृष्टि से वही देखता है जो स्वयं उस अवस्था में खड़ा होता है। जिसके पास जैसी दृष्टि होती है वो व्यक्ति दुनिया को वैसा ही देखता है। यदि किसी को संसार में अच्छाई नजर नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं कि संसार अच्छा नहीं है। अगर किसी को संसार में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि संसार में चारों तरफ गंदगी है। संसार तो बहुत सुंदर है, संसार तो बहुत प्यारा है, संसार तो बहुत खूबसूरत है। अगर संसार गलत नजर आता है, इसका मतलब इतना है कि हमारी दृष्टि खराब है, हमारी ही आंख खराब है। अगर हमारी आंख ठीक हो जाए तो संसार हमें पवित्र नजर आएगा, फिर हर किसी में हमें भगवान का दर्शन होगा। इसलिए मैंने कहा कि मन की बीमारी ज्यादा कठिन है, लेकिन उसका रास्ता यही है तन की बीमारी। हमने तन की बीमारी पर भी जोर शोर से काम न किया। आज अस्पतालों में इतनी भीड़ लगी है, डॉक्टरों के यहाँ भीड़ है, तो तन की बीमारी है तो डॉक्टर के यहाँ भीड़ है, और मन में बीमारी है तो दो जगह भीड़ है, न्यायालय में और सत्संग में। क्योंकि मन की बीमारी से लड़ाई झगड़े होते हैं, उठापटक होती है, हाय तौबा, लूटमार, बलात्कार, हत्या, इसके चलते न्यायालय में भी भीड़ है और सत्संग में भी भीड़ है। हालांकि सत्संग की भीड़ इस दृष्टि से नहीं है कि हाँ सब लोग मन की बीमारी से ग्रसित हैं इसलिए ही आए हैं। सत्संग तो वो पवित्र स्थल है जहाँ सब पवित्र लोग, अपवित्र भाव वाले लोग सब पहुँचते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे अस्पताल में तो सिर्फ बीमार लोग पहुँचते हैं, विद्यालय में सिर्फ अनपढ़ पहुँचते हैं, लेकिन सत्संग में सिर्फ पापी पहुँचते हैं, ये फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। उल्टा हो रहा है, अब तो सत्संग में पापी लोग कम आते हैं, पुण्यात्मा जो है वही आते हैं, वही सत्संग करते हैं, वही सुनते हैं। सत्संग में पापी लोग आना ही छोड़ दिए, क्योंकि जानते हैं इलाज होगा हमारा, और इलाज से आदमी घबराता है। डॉक्टर के यहाँ जाने से आदमी घबराने लगा है, ऑपरेशन कौन कराए। लेकिन आप देखें, डॉक्टरों के यहाँ भीड़, वकीलों के यहाँ भीड़, कोर्ट में भीड़, सत्संग में भीड़, हर जगह भीड़ नजर आएगी। अभी इलाहाबाद में माघ मेला चल रहा था, बल्कि प्रयागराज में, वहाँ भी भीड़। अब कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो भीड़ नजर आ रही है ये संपूर्ण रूप से धार्मिकों की है या फिर अधार्मिकों की है, क्योंकि भीड़ तो काफी है, भगवान का नाम लेने वालों की भीड़ तो काफी है, प्रार्थना गाने वालों की भीड़ तो काफी है, लेकिन उसमें से जो वहाँ जितने लोग पहुँचे होते हैं उनमें से अधिकांश तो वैसे लोग होते हैं जो सोचते हैं, किसी ने कह दिया कि गंगा में डुबकी लगाओगे सारा पाप खत्म हो जाएगा, सोचता है साल भर पाप किया है एक बार डुबकी लगा लें खत्म हो जाएगा।
वो ये नहीं जानता कि